أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربي يسر ولا تُعسر وتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجم قرنجي حروف مشبه بالفعل يعني letters like verb. अरबी ज़बान में छः हरूफ़ ऐसे हैं जो जुमला इसमिया पर दाखिल होकर उसके मुबदा को जो कि हालत रफ़ा में होता है उसको हालत नस्ब में ले जाते हैं जबकि उनकी ख़बर जो है वो अपनी असली हालत यानी हालत रफ़ा में रहती है और चूँकि ये इनको हालत नस्ब में ले जाते हैं जिसकी वजह से आसानी के लिए जिन्हें हरूफ़ मुशबा बिलफेल याद नहीं रहता वो इसको आसानी के लिए हरूफ़ नस्फ़ भी याद कर सकते हैं यानी ऐसे हरूफ जो अपने बाद आने वाले इस्म को इस हालत में ले जाते हैं जिस तरह से हमने हरूफ़ जारा कर किया था इन्हें इसके अलावा इन्ना व अखवातुहा, यानी इन्ना उनमें से एक हरफ़ है इन्ना और उसकी बहनें इन्ना एंड इट सिस्टर्स भी कह सकते हैं अब ये छह हरूफ ये हैं इन्ना अन्ना कान्ना लईता लकिन्ना और लाअल्ला आया बम इन को एक एक करके देख लेते हैं इन्ना और अन्ना ये दोनों हरूफ़ तकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं यानी बेशक यकीनन, नो डाउट सर्टनली इन इंडा जुमले के शुरू में आता है औरूम इसम से पहले आता है जबकि अन्ना जो है ये जुमले के दरमियान में अमूमन फ़ेल के बाद आता है इसी तरह से का अन्ना ये हर्फ तशबी के लिए इस्तेमाल होता है जिस तरह से हर्फ जारा में का था ये उस वो भी तशबी के लिए था लेकिन ये इसकी तशबी ज़्यादा स्ट्रांगर होती है गोया के इट लुक्स एज़ दो एज़ इफ लई काश वो अलास इफ़ ओनली दरअसल ये हसरत और तमन्ना के इजहार के लिए आता है लाकिन लेकिन बट ऑन द कॉन्ट्रेरी हो एवर ये आम तौर पर दो जुमलों के दरमियान में आता है लाअल्ला शायद होपफ़ुली पर अगर शायद के सेंस में आए तो ये जुमले के शुरू में आएगा तो तब इसका मतलब शायद होगा और अगर ये जुमले के दरमियान में आए तो इसका मतलब होगा ताकि यानी सो so देट ये उम्मीद और तवक़ के मैनी में आता है अंदेशे के लिए भी इस्तेमाल होता है जिस तरह से ये अल्लाह गफ़ूर ये मुफ्त और ख़बर थी और हालत रफ़ा में है लेकिन जब इनके साथ इन्ना लगाया इससे पहले इन्ना लगाया तो इन्ना ने मुबदा की हालत रफ़ा को हालत नस्ब में कर दिया तो अब यह मुबदा नहीं कहलाएगा इसे हम कहेंगे इन्ना का इस और इन्ना की खबर इला वफ़ूर ज़मीर मुतसिल में यानी अटैच्ड प्रोनाउन में हमने देखा कि वो जब मंसूब होकर आती है तो वो हरूफ़ मुशबा बिलफेल के बाद जब ज़मीर मुतसिल आएगी तो वो हालत नस्ब में शुमार की जाएगी वाहिद मतकल्म ज़मीर या जो है होने की सूरत में इसम और मतकल के दरमियान आम तौर पर नून वक़ाया लगाया जाता है ये हमने पीछे भी पढ़ा था ज़मायर में भी अब इन हरूफ़ के साथ हम देख लेते हैं कि नून वक़ाया के साथ क्या सूरत हाल होती है और नून वक़ाया के बग़ैर क्या सूरत हाल होती है ये चार हरूफ़ ऐसे हैं जो दोनों तरह से इस्तेमाल में आते हैं इन्ना के साथ या लगाया तो ये इन्ना नी बनेगा या इस इस तरह भी लिखा हुआ आया है इन्नी इन्नी के अंदर भी तीन नून है, यानी तशदीद वाले नून की वजह से दो नून और नून वकाया भी इसके अंदर शामिल है लेकिन इन्नी क़ुरान पाक में ज़्यादा दफ़ा आया है इन्ना नी की नस्बत लेकिन इन्ना नी जो है चाहे वो लेस फ्रिक्वेंटली आया लेकिन वो स्ट्रोंगर मीनिंग्स देता है इसी तरह से अन्ना भी अन्ना नी और अन्नी दोनों तरह से इस्तेमाल में आया है का अन्ना भी का अन्ना नी और का अन्नी दोनों तरह से आया है लाकिन बी लाकिन्ना और लाकिन्नी तो ये चार हरूफ ऐसे हैं जो नून बकाया के साथ और उसके बगैर भी इस्तेमाल हुए हैं बाकी जो दो हरूफ हैं लेता वो सिर्फ नून वकाया के साथ इस्तेमाल होता है लेता नी वो उसके बगैर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता यानी लई कभी भी नहीं आएगा जबकि लाअल्ला जो है वो नून वकाया के साथ कभी इस्तेमाल नहीं होगा ला अन्ना नी कभी नहीं आएगा ये हमेशा ला लाअ ही की शक्ल में आएगा इसी तरह से क़ुरान पाक में ये भी इन्ना के साथ जब हम ना लगाते हैं यानी बेशक हम तो इन्ना ना भी इस्तेमाल हुआ है और इन्ना भी इस्तेमाल हुआ है इन्ना ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हुआ है इन्ना ना कम दफ़ा इस्तेमाल हुआ है लेकिन ये भी इन्ना नी की तरह ये भी ज़्यादा स्ट्रॉगर सेंस में आता है हरूफ़ मुशब्बिल बिलफेल के साथ हम अटैच्ड ज़मीर यानी ज़मायर मुतसिल का कैसे इस्तेमाल करते हैं यानी पहले ये हरूफ आते हैं उनके साथ जब हम उन्हें अटैच करते हैं तो ये उसके साथ कंस्ट्रक्शन दी हुई है इन्ना के साथ का की तो ये बनेगा इन्ना का और इन्ना के साथ हम तो ये इन्ना इसी के इसी तरह से इन्ना के साथ या तो यहाँ पे इन्नी बना हुआ है इसी तरह से अल्लाह के साथ कुम तो ये अल्लाह कुम शायद के तुम इन्ना क़ुरान पाक में अप्रोक्सीमेटली सेवन हंड्रेड टाइम्स इस्तेमाल हुआ है यानी काफ़ी दफ़ा पर देखिए यहाँ पे कुछ आयात भी हुई हैं इनकी कंस्ट्रक्शन को देखें इन्ना जब उनसे पहले आया तो उन उसने उसको अगले लफ्ज़ को हालत नस्ब में कर दिया इन न लौ लौा यहाँ पे ये देखें इन्ना के साथ हाजही ही इस अशारा आया लेकिन इस अशारा जो है वो मबनी है इसकी वजह से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गो कि उसकी हालत बदलती है उसके उसको हम हालत नस्ब में समझेंगे लेकिन उसकी शक्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसी तरह से इन्ना हा यहाँ ज़मीर मुतसिल के साथ आया है ये इन एग्ज़ाम्पल्स में इन्नल ननाफ़ कीना, उसने उसको हालत नस्फ़ में किया है इन्ना नी और यहाँ इन्नी, ये सारी आप इग्जाम्पल्स में देखें इन्ना ने अपने से बाद आने वाले इस्म को हालत नस्म में कर दिया। यहाँ पे मैंने हरूफ मुशब्बा बिलफेल मार्क कर दिए और उन सर्कल में उनको कर दिया जिनके साथ ज़मायर अटैच हैं और जिनको अंडरलाइन किया है वो जिन के साथ नाउन अटैच है क्योंकि इस में तो नाउन भी आएगा और ज़मायर भी आएंगे। इन एग्जांपल्स को आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी आप तो से देखें कि इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई हुई है इनके साथ इन्ना अटैच करना है तो अल्लाह गफ़ूर इस जुमले के साथ जब आपने इन्ना लगाया तो इन्ना ने अल्लाह की दम्मा को फ़तः में बदल दिया अब यहाँ पे देखें अर रजुलानी साल रजुलानी मुसना है जब उनके साथ इन्ना अटैच हुआ तो हालत नस्त में लेकर जाने में वो ऐनी हो गया रजुलैनी। जबकि साल जो ख़बर है वो रफ़ा की हालत में ही रहेगी उस पर असर नहीं पड़ेगा इसी तरह से आलमोलिमोना जो है वह अलमोलिना हो जाएगा यानी ये जमा में है लेकिन हालत नस्फ़ में है ख़बर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अलबिन तानी इन्ना अटैच हुआ तो अलबिन तनी हो जाएगा ख़बर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा अनसाऊ का दमा फ़था में बदल जाएगा इन्ना लगाने से यहाँ पे ज़मीर मुनफसिल लगी है हुआ सादिकुन जब इसको इन्ना के साथ अटैच इन्ना लगाने के बाद ज़मीर लगेगी तो ज़मीर मुतसिल लगेगी अटैच होकर लगेगी और फिर वो हालत नस्ब वाली होगी इन्ना हू इसी तरह से हम ये ज़मीर मुनफसिल है इन्ना के साथ जब वो लगेगी तो मुतसिल भी वो ही शक्ल में है इसलिए इन्ना हम हिया से हा बनेगा अनता से का इन्ना के साथ अनता अटैच किया जो कि बेसिकली का की शक्ल में है अनती से की इन्ना की अन हालत रफ़ा में है जब इसको इन्ना अटैच किया हालत नस्ब में कुम हो जाएगा इन्ना कम अना इसके साथ इन्ना अटैच किया तो इन्ना और या ज़मीर मुत्तसिल में जब आएगा तो इन्ना नी भी बन सकता है और इन्नी भी बन सकता है यहाँ पर इन्नी बना हुआ है नाखनू से पहले इन्ना लगाएंगे तो नाखनों हालत नस्ब में ना में बदल जाएगा इन्ना ना आगे जुमला शुरू हो रहा है तो उसमें देखें फी ली और इधर भी ली अब ये देखना है कि ये इन्ना इनके ऊपर असर डाल रहा है या नहीं या आप साफ़ देख सकते हैं हाज ही हालत रफ़ा में भी वैसा ही है जब उसको हम हालत नस्ब में लेकर आएंगे तो तब भी उसकी शक्ल वैसी ही रहेगी गो कि उसकी हालत बदल जाएगी इन्ना के बाद आने से फ़र्दर मैंटल एक्सरसाइज के लिए देखें ये गलत कंस्ट्रक्शन दी हुई है इधर और दूसरी तरफ़ दुरुस्त दी हुई है आप इनको कम्पेयर करके देख सकते हैं यहाँ पे हालत रफ़ा, हालत नस्ब में चेंज हो रही है हाँ ये देखें ली हम है। हरफ जारा के बाद जब ज़मीर मतसिल अटैच होकर आती है तो हरफ जारा ली की बजाय ला की लाम लाम के ऊपर फ़थहा आ जाता है स्वाए ज़मीर वाहिद मतकल्लम के तो ये लाहुम होगा यहाँ पर ये मुँह में नू ना हालत रफ़ा में है ऊना उसको हालत नस्ब में किया तो इना हो जाएगा मुँह में ना एक काफ रू न ऊना हालत रफ़ा में है इसको हालत नस्ब में किया तो काफ रीना हो जाएगा इस तरह से आप देखें कि ज़मीर मुतसिल कब होती है जब वो हरूफ मुशब्बा बिलफेल या हरूफ नस्ब के साथ अटैच होकर आती है या इसी तरह से फेल हो और फेल के बाद अटैच होकर आए तो तब भी ये मंसूब होगी वो हम पढ़ेंगे ये वैसे ही आपके जहन को क्लियर करने के लिए के बाजुकात इन्ना के साथ माँ अटैच होता है जिसको हम जिसको हम माए काफ़ा भी कहते हैं तो अगर हरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल के साथ ये ऐसी माँ आ जाए तो उनका असर ख़त्म हो जाता है यानी वो अपने बाद वाले आने वाले इस्म को हालत नस्ब में लेकर जाने की पोजीशन खो देते हैं ये यह यहाँ पर एग्ज़ाम्पल से आप देख सकते हैं अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह ताला हम सबका हामीना नासिर हो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वर्का